दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेल न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मोहित। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि सदन में जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है भाषण काफी ज्यादा जो है वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बात ये भी कही थी, विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनके ऊपर जो उन्होंने एक तंज कसा है कि जो ये राहुल गांधी है वो नेहरू अपना सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, इन्हें क्या किस बात की शर्म है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे साथ मोहित शर्मा है। लोग कहते हैं कि मोहित खान है लेकिन ये लगाते हैं अपने आप को शर्मा है। तो सवाल ये है मोहित शर्मा, इसको आप जो भाषण है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने ये बात बोली है ना, सबसे पहले आप अपनी जबान को समझिए। मैं आपके लिए गलत प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ना तो पूरा देश वैसे ही आपको गालियां देता है। अगर मैं भी गाली देना शुरू करूंगा तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब आप एक बात मुझे बताइए, आपको नीचे गोदी मीडिया लिखते हैं, गंदी गंदी गालियां भी लिखते हैं। मैंने कभी गाली देके बोला है कि आपको ऐसे लोग गालियां लिखते हैं? आप ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या आप में से जितने भी लोग देखने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, ये सवाल किसी एक देश के पत्रकार का हो सकता है? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, मेरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री विपक्ष को लेकर कटाक्ष करता है, विपक्ष को लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई हक कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर और उसके नाम के ऊपर उसके सरनेम के ऊपर कटाक्ष करें। आपको ये नहीं पता कि आपके ऊपर इस बात को लेकर मुकदमा तक दर्ज हो सकता है? आप यही बात हो गई बस, आपका क्यों बात हो गई? होता है धमकी देना, धमकी देना नहीं सर, सर मैं मेरी बात सुनिए, आप प्रधानमंत्री मोदी ने मैं आपसे कहा है उसके ऊपर आप जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, आपका नाम, एक मिनट, आप जाहिद खान होते हुए भी आप बोलते हैं मुझसे जब पठान फिल्म का मुद्दा होता है कि आप खान गैंग से, आप खान गैंग से नहीं है, मुझे ये बताइए। क्यों खान गैंग से नहीं, तो आप कौन सी गैंग से, जरा अपनी गैंग का नाम बताइए। हम इस देश से हैं, है? इस देश, भारत देश में राज्य कितने, जरा बताइए इस देश में राज्य कितने हैं? राज्य से क्या साबित हो जाएगा? नहीं, राज्य आप इस देश में रहते हैं ना, जरा बताइए। मैं तो देख लूं, लोगों को पता तो चले, सबको पता है लेकिन आप ही को नहीं पता है, सबको पता है लेकिन आप ही को नहीं पता है, सवाल ही नहीं है तो बता दो। जैसे आपने हमसे कहा कि ये आप कौन सी जो है छाप वाले सवाल करें, वही अच्छा अच्छा ये भाई, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति बोल दे कि मैंने सड़क छाप वाला सवाल किया तो आप बता दीजिए। चलिए ये बताइए, भारत देश का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है हमारे देश की? सबको पता है, क्या बता दीजिए? सबको पता है, वो ये व्यक्ति इतना बड़ा है, इतना तेज दिमाग लगाता है, बोलेगा सबको पता है, सबको पता है लेकिन इसी को नहीं पता है, जो आप फॉलो नहीं करते। अच्छा, तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, आप बता दीजिए है क्या, आप बता दीजिए। अभी देखिए देखिए, अभी कह रहे हैं सबको पता है, मैं तो फॉलो ही नहीं करता, तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं करता, हाँ तो मुझे बता दीजिए। कभी आपने देश के लिए, कभी आपने देश के लिए एक भी शब्द कहा है? कभी आपने कहा एक भी शब्द? वाह, ताली मारेंगे। ये महंगाई, ताली मारेंगे, बेरोजगारी, इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ये कह रहे महंगाई नहीं है। तो आप तो अंबानी और टाटा बिरला होंगे, तो ये 80 करोड़ लोगों को जिनको सरकार राशन दे रही है, ये कौन लोग हैं? मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, धीरू भाई अंबानी है। सरकार 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रही है, वो जरूरतमंद लोग हैं। तो अब कहने का मतलब फिर महंगाई है? महंगाई कहाँ है, जरूरतमंद है, जरूरत सबको होता है। तो आप राशन लेते हैं 80 करोड़ लोगों में? एक से मैं क्या बोल रहा हूँ, आप राशन लेते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप राशन लेते हैं? सवाल, आप राशन लेते हैं? आपने कहा ना कि वो जरूरतमंद है, जरूरतमंद व्यक्ति तो वही होता है जिसके पास रोजगार नहीं है, जो देश की महंगाई से जूझ रहा है। आपका इनकम नहीं बढ़ा है? आपका इनकम बढ़ा है? आपका बढ़ा है किसका? मैं तो इनकम क्या, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, मेरी तो लॉ की स्टडी, आपकी घर परिवार वाले। अब सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए, सोच लीजिए, ये पति कह रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ी है, अब आप सोचिए पत्रकार की इनकम कैसे बढ़ती है? ये तो पत्रकार है, पत्रकार का काम पत्रकारिता करना होता है, पत्रकार की इनकम कब बढ़ती है? जब पत्रकार अपने जमीर को बेचता है। तो मैं जितने और तमाम भाई हैं जिन्होंने सामने भी दानी संसार पत्रकार है, मैं सब, मैंने, मैं भाई जमीर को बेचा है, मैं क्या बोलूं, जमीर को बेचा है, ये अपनी बात रख रहे हैं और इनको अपना, मैंने आपसे नहीं सुनी, मैं सब, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपने बोला, मैंने आपसे एक इंडिविजुअली प्रश्न पूछा, सभी पत्रकारों पर आरोप मत लगाइए। जब ये वाली बात मत करिए कि जब खुद गिर जाए आपके ऊपर सवाल उठे, जैसे अभी सवाल अडानी पे उठे तो आपने जो देश से सवाल पूछ रहे, देश खतरे में, अरे अडानी अलग है, देश में इतने सारे लोग हैं, अडानी भी रहता है, देश के और अडानी की क्या कंपैरिजन? तो सवाल आपसे पूछा है, सब पत्रकारों पे आरोप नहीं लगाए। दो वक्त की रोटी कमाने के भी हक नहीं है मोहित शर्मा के साथ, दो वक्त रोटी कमा करके अपने परिवार को भी नहीं पाल पाता है तो पत्रकार दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाता है?
तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो ऑडी से आते हैं, कोई मर्सिडीज से उतरता है, कोई अपने खुद के स्टूडियो खोलता है, दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। देखिए मोहित शर्मा, कुछ पत्रकार आत्मनिर्भर भी हैं, आप भी जानते होंगे यूट्यूब का। मैंने बोला जरूरी नहीं कि कोई अगर ऑडी से आ रहा है, चाहे जाहिद ऑडी से आ रहा है या हम BMW से आ रहे हैं, तो हम जो है दलाली करते हैं, हम किसी की चार दुकान। मैंने आपसे क्या पता है, हमारे मिलियन सब्सक्राइबर हमारे व्यूवर्स है, हम सच्चाई दिखाते हैं तो पैसा उससे आता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बीजेपी से दलाली करते हैं। अभी मैंने इनसे पूछा, मैंने निराधार नहीं है, मैंने इन्हीं के कहने पर मैंने आपको एक तार्किक एक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद में हमारी आय बढ़ी है, तो एक पत्रकार की आय कैसे बढ़ सकती है? सबकी बढ़ी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मेरी बात नरेंद्र मोदी एक महंगाई बढ़ती है तो आय भी बढ़ती है, किसी भी क्षेत्र का कार्य करो। मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी होगी, आपके परिवार की। नरेंद्र मोदी जी कोई यूट्यूब के कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं कि भैया नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में यूट्यूब मैं वो नहीं कर रहा। वक्त के साथ अगर महंगाई बढ़ती है, मोहित शर्मा, महंगाई बढ़ती है तो वक्त के साथ आमदनी भी बढ़ती है। नहीं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, इस व्यक्ति ने एक सवाल किया, इस पत्रकार ने, कि मेरी आय बढ़ी है तो आय कैसे बढ़ सकती है? पत्रकार की आय सीमित रहती है। कहने का मतलब ये कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी महीने अगर आप 2-4 हजार रुपए ज्यादा कमा सकते हैं, ये 2-4 हजार कम, इतना ही तो डिस्टेंस रहता है। अब आप ये सोचिए, कह रहे हैं मेरी आय बढ़ी है, तो इस व्यक्ति की, इस पत्रकार की आय का इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है? एक पत्रकार तो पत्रकारिता करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए मेरी, एक 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 सर, आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात आपके फादर क्या करते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं उसी का जवाब जी के आने के बाद उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की आय कब बढ़ती है? अगर आप किसी गवर्नमेंट साथ जब दलाली करे तब, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है, तब उसकी आय की इनकम में जो है वो वृद्धि होगी। अच्छा, लेकिन जो मजदूरी करता है, जो क्या नाम है, किसान है, उसकी आय कैसे बढ़ती है? किसकी? जो किसान है, जो मजदूरी करते हैं, जो कारीगर है। अच्छा, जो ड्राइवर है। अच्छा अच्छा, उनकी इनकम, उनकी किसान की, एक मिनट आप ये बताइए, कौन सा आर्टिकल और कौन से सेक्शन में ये लिखा है कि किसान की आय सीमित है या किसी ड्राइवर की आय सीमित है? ये बताइए आप मुझे, किसी पत्रकार की आय सीमित है किसकी? मैं आपको बताऊँ, सुन लीजिए, अगर आप किसी क्या चैनल में के अंदर काम करते हैं, जैसे आप नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, तो आपको लोगों को सैलरी मिलती है। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए, तो आप नेशनल चैनल में काम कर रहे हैं, जो आपकी आय बढ़ गई। अरे 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 मत करिए, हम देश के लिए काम करते हैं, हमारे पास ये टैलेंट है कि हमारे पास व्यूअर्स हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमें देखते हैं। बहुत बढ़िया, आप देश के लिए काम करते हैं, आप देशद्रोह का काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। आप इतने सारे पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देश के विरोध में काम करते हैं या अकेला व्यक्ति देश हित में काम कर रहा है? आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जरा सवाल का जवाब दीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति ने, आज देश के ऊपर एक महंगाई का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बेरोजगारी का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक देश का आम जनता है, देश की आम नागरिक जो है, दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, आपको इस चीज को समझना होगा। आप हिंदू और मुसलमान के मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को इस देश से दूर नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार प्रयास नहीं कर रही है? देखिए सर, सरकार प्रयास, मेरी बात सुनिए, सरकार प्रयास कहाँ से करेगी? सरकार प्रयास कर ही नहीं रही है। सरकार अगर प्रयास करती तो इस देश के अंदर जो सरकारी संपत्ति है उसके अंदर इजाफा होता, लेकिन सरकार जो है वो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया, आपने देखा होगा, वंदे भारत ही बोला मैंने, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है उसका किराया कितना है? उसका किराया इतना एक्सपेंसिव है कि एक व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति, ट्रेन किसके लिए होती है? हवाई जहाज में एक अच्छा आदमी बैठ जाता है, ट्रेन किसके लिए? ट्रेन है एक आम व्यक्ति के लिए जो अपने घर आ रहा है, कभी बिहार से दिल्ली में रोजगार कर रहा है, या बिहार से मुंबई में काम कर रहा है, यूपी से मुंबई में काम कर रहा है, या अपने घर परिवार जा रहा है, वो व्यक्ति ट्रेन का इस्तेमाल करता है। तो ट्रेन को इतना एक्सपेंसिव उसका खर्चा है, उसकी इतनी एक्सपेंसिव टिकट है कि एक आम व्यक्ति ट्रेन की टिकट ही नहीं ले पा रहा। तो आप चाहे एक वंदे भारत चलाएं, चाहे 1000 वंदे भारत चलाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता और आम नागरिक आज भी परेशान है। आपने पहले क्या होता था, आपको 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में आपको टिकट मिल जाता, ठीक है। आपको याद होगा एक दौर में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, मैं समझ गया, आप लालू जी की तारीफ करेंगी, मैं समझ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपया ट्रेन का टिकट का दाम कम किया था, आपको पता है, लेकिन ट्रेन का भी फायदेमंद। फिर भी इतनी देश में समस्याएं हैं, उसके बाद भी हर जगह सरकार क्यों आती है और बहुमत से आती है? लोकप्रियता की बात करें तो तमाम देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उसको भी मोदी जी की बहुत, आपने वो कैसे होगा? एक बहुत आपने वही वाली बात, जो सदन में कहा गया था कि जो है पांच जमीन पे
है नहीं तुम्हारे, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उस सवाल का एक बहुत अच्छा आपको जवाब देता हूँ। किसी भी देश के व्यक्ति का एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है रिलीजियन। रिलीजियन जो धर्म होता है वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक पर्सनली गाली दूंगा तो आप अकेले यहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन मैं आपके धर्म को और आपके रिलीजन को लेकर गाली दूंगा तो आपके रिलीजन के सभी लोग। तो बीजेपी ने कभी तो गाली नहीं दी, धर्म को धर्म की हिताशी तो बीजेपी ही मानी जाती है। मेरी बात सुनिए।